इंश्योरेंस आज आपकी जो पिछली कड़ी में आपने जो कुछ पाश्चात्य विचारक के बारे में आपने देखा था कि तो इसके बाद भारतीय विचारकों के बारे में आपने जो कुछ अध्ययन किया था उसी कड़ी में जो प्रमुख पाश्चात्य विचारक जो आपको अभी आपके सिलेबस में रह गए हैं उनकी चर्चा आज हम चर्चा करेंगे। उसमें सबसे ज्यादा जो प्रमुख विचारक है उसके बारे में आपने पहले से सुना होगा, उसका नाम है प्लेटो। यदि मैं प्लेटो के बारे में बात करूँ तो कुछ चीजें जो आपको आसानी से पहले से पता है, प्लेटो का जन्म अगर मैं बात करूँ तो 427 ईसा पूर्व में माना गया था, लेकिन कुछ दार्शनिकों में मतभेद है। ऐसा ये कहा गया है कि प्लेटो का जन्म संभावित है 427 व 428 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। अगर मैं बात करूँ जन्म स्थान की, इनका जन्म कहाँ हुआ था, कहाँ इनका जन्म हुआ था, एथेंस में इनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम एरिस्टोन था। अगर मैं बात करूं कि पिता का नाम क्या था, एरिस्टोन था। इनका जन्म एक कुशल परिवार में हुआ था और इनके पिता का नाम एरिस्टोन था, जिसके कारण के प्रारंभिक यानी प्रारंभ का इनका नाम एरिस्टोटेलेस पड़ गया था। क्या पड़ा था? एरिस्टोटेलेस पड़ गया था। लेकिन ये वास्तव में इतने प्रख्यात विचारक थे, इतना विख्यात हो गए, तो इनको प्यार से लोग प्लेटो के नाम से पुकारा जाने लगा। ध्यान रखिएगा, इनका प्रारंभिक नाम क्या था? एरिस्टोटेलेस था, लेकिन इसके बाद प्राचार विचारक हो गए तो इनका नाम क्या पड़ गया? प्लेटो पड़ गया। यदि मैं बात करूँ तो ये साहित्य में इनकी बहुत ज्यादा रुचि थी। साहित्य में ही छोड़ने के साथ खेल में इनकी रुचि थी। खेल में एक नेतृत्वकर्ता सिपाही में इनका योगदान था, अतः एक कुशल खिलाड़ी का सिपाही था। साहित्य में इनकी रुचि थी। हाँ, ये वास्तव में ऐसे प्रसिद्ध खिलाड़ी थे जिनको खेल में दो पुरस्कार भी प्राप्त हुए थे। 20 वर्ष की आयु में सुकरात के संपर्क में आए। सुकरात आपको ऑलरेडी पता होगा, सोक्रेटिस के बारे में सुकरात के संपर्क में आए और जिसके बाद ये 8 वर्ष तक उनके संपर्क में बने रहे। अगर मैं बात करूं 20 वर्ष की आयु में सुकरात के संपर्क में आए और 8 वर्ष तक ये सुकरात के संपर्क में बने रहे, जिसके बाद 399 ईसा पूर्व, अगर मैं यहीं पर बात करूँ 399 ईसा पूर्व में सुकरात को मृत्युदंड दे दिया गया था। मृत्युदंड देने के बाद इनको आघात पहुंचा, जिसके बाद ये क्या किए, अपने देश को छोड़कर वहां से भ्रमण के लिए निकल गए। भ्रमण पर निकलने के लिए यहाँ पर क्या गया, मिस्र, इटली, सिसली, मेगारा आदि देशों का इन्होंने भ्रमण किया, जिसके बाद पुनः ये अपने देश वापस आए और जहां पर सुकरात निवास करता था, और निवास करता था सुकरात निवास करता था वहीं पर एकेडमी नाम की संस्था की स्थापना की और 80 वर्ष की अवस्था में 347 या 348 ईसा पूर्व में इस महान प्राख्यात विश्वविख्यात दार्शनिक का देहावसान हो गया। यदि मैं बात करूं शिक्षा संबंधी इनकी दो प्रमुख रचनाएं हैं, एक का नाम है रिपब्लिक और दूसरे का नाम है लीलावती। अगर मैं रिपब्लिक की बात करूं तो आपके सामने लिख दिया है न्याय पर लिखित ग्रंथ है, यानी कि वास्तव में रिपब्लिक इनका न्याय पर लिखित ग्रंथ है, मानव के लिए उपयोगी बताया गया है। यदि मैं दार्शनिक विचार की बात करूं तो ये एक प्रसिद्ध आदर्शवादी विचार था। अब यहाँ पर जैसे आप थोड़ा सा जैसे आपने आदर्शवादी कहा तो आदर्शवादी विचारक कौन होता है, जो हमेशा ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करता है, आत्मा को प्रमुख स्थान देता है। अगर आत्मा को प्रमुख स्थान देता है तो ये सत्यम से हम संदर्भ की चर्चा करते हैं, मोक्ष की प्राप्ति पर बल प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि शिक्षा के उद्देश्य क्या है, नागरिक सत्ता का विकास करना, व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक शक्तियों का विकास करना, बालकों को सामंजस्यपूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए तैयार करना। हाँ, यहाँ पर और है, बच्चों को नैतिक नियमों के प्रति जागरूक करना, बच्चों को सत्यम स्वयं संतरण की चर्चा कराना, क्योंकि ये आदर्शवादी विचार है। और कोई भी आदर्शवादी विचार जो होगा वो हमेशा नैतिक नियमों की बात करेगा, सत्यम स्वयं संतरण की चर्चा करेगा, मोक्ष की प्राप्त करने पर बल प्रदान करेगा। इसी तरह इन्होंने पाठ्यक्रम में भी अगर बात की जाए तो पाठ्यक्रम में इन्होंने एक प्रारंभिक शिक्षा की बात की और दूसरी उच्च शिक्षा की बात की। प्रारंभिक शिक्षा में इन्होंने व्यायाम, खेल, गणित, इतिहास आदि विषयों की चर्चा की। हाँ, उच्च शिक्षा में प्रारंभिक शिक्षा को जोड़ दिया, मतलब इसमें क्या होगा, व्यायाम ऑलरेडी होगा, खेल कूद होगा, गणित होगा, इतिहास होगा। इसके साथ साथ गणित, अंकगणित, ज्योतिष शास्त्र, संगीत शास्त्र, विज्ञान, ठीक है, भूगोल आदि विषयों को इन्होंने जोड़ दिया। यदि मैं बात करूं इनके पाठ्यक्रम के साथ साथ इनके जो शिक्षण विधियां क्या थी, अगर मैं बात करूं इनकी शिक्षण विधियों की, तो यहाँ पर पहली बात ध्यान
सुकरात के शिष्य हैं तो पहले सुकराती विधि का समर्थन किया, सुकराती विधि। और सुकराती विधि कौन सी है ये आपको मालूम होना चाहिए, सुकराती विधि कौन सी है, प्रश्नोत्तर, कौन सी विधि है, प्रश्नोत्तर विधि का समर्थन किया। इसके बाद इनकी एक और शिक्षण विधि है, अगर मैं प्लेटो की बात करूं, प्लेटो की शिक्षण विधि कौन सी है, प्लेटो की शिक्षण विधि, शिक्षण विधि। तो यहाँ पर प्लेटो की जो शिक्षण विधि है वो तर्क विधि है, वैसे तो तर्क विधि हीगल की है, इसके हीगल की अगर बात किया जाए वाद विवाद, कौन सी है, वाद विवाद विधि का समर्थन किया। हाँ, इन्होंने तर्क विधि को समर्थन किया जो हीगल की तर्क विधि का समर्थन भी इनके द्वारा किया गया। यदि मास्टर अगर मैं इनके बारे में बात करूँ, शिक्षा प्रशासन के संदर्भ में बहुत अच्छी सी बात बताई है कि एक इन्होंने शिक्षा मंत्री का पद स्थापित किया और जिसके प्रति इन्होंने कुछ काल बताया। और प्लेटो की शिक्षा योजना इसलिए फेमस हो गई, प्लेटो की शिक्षा योजना की अगर मैं बात करूं, आपको छोटी सी हेडिंग बता दूं, प्लेटो की शिक्षा योजना, प्लेटो की शिक्षा योजना। अगर मैं प्लेटो की शिक्षा योजना सबसे पहला काल जो काल बताया गया वो सैसरा काल बताया गया, प्लेटो की शिक्षा योजना में सैसरा काल, यानी कि अगर मैं बात करूं सैसवा काल, सैसवा काल की अगर मैं बात करूं तो तीन वर्ष, कितने वर्ष तक, उन्होंने कहा सैसवा काल शिक्षा कितने वर्ष तक होनी चाहिए, प्लेटो की शिक्षा योजना, प्लेटो की शिक्षा योजना, शिक्षा योजना में सबसे पहला काल जो बताया क्या बताया, सैसवा काल बताया। सैसवा काल में उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जन्म से लेकर तीन वर्ष तक की शिक्षा को उन्होंने क्या बताया गया, कि सैसवा काल बताया गया। इसमें उन्होंने कहा बच्चों को पौष्टिक भोजन देना चाहिए जिससे उनको क्या हो, उनके स्वास्थ्य पर और मानसिक पर विशेष प्रभाव पड़े। अगर इसके बाद उन्होंने जो दूसरे काल बताया वो नर्सरी शिक्षा की, शिक्षा की किसी ने कहा कि नर्सरी शिक्षा की, नर्सरी शिक्षा में क्या कहा कि प्लेटो ने तीन से लेकर छह वर्ष की शिक्षा को नर्सरी शिक्षा, यानी कि एक जिस तरह एक पेड़ का ठीक है सींचा जाता है उसे आगे बढ़ा जाता है, उसी तरह नर्सरी में तीन से छह वर्ष की बात की। इसके बाद उन्होंने प्रारंभिक स्तर की बात की, यानी कि तीसरे काल की मैं बात करूं प्रारंभिक स्तर की बात की, प्रारंभिक स्तर में भी इन्होंने एज निर्धारित कर लिया, प्रारंभिक स्तर में इन्होंने छह से तेरह वर्ष की चर्चा की, छह से तेरह वर्ष में प्रारंभिक। इसके बाद चौथे स्तर में इन्होंने माध्यमिक स्तर की बात की, किसकी बात की, माध्यमिक, माध्यमिक स्तर की बात की। ध्यान रखिएगा कि एक पूछ लेता है प्रारंभिक, अब इसके बाद माध्यमिक में बात की तेरह से सोलह वर्ष, माध्यमिक की बात की तेरह से सोलह वर्ष माध्यमिक बात की। इसके साथ इन्होंने एक काल बताया जिनकी पांच स्तर में क्या होता है, व्यायाम काल बताया, व्यायाम काल, व्यायाम काल की बात अगर मैं बात करूं तो व्यायाम काल में इन्होंने 1620 16 से 20 वर्ष व्यायाम काल को निर्धारित कर दिया। इसके बाद प्रथम बहिष्करण जांच किया, यानी कि जो ऊपर से किए गए सैसवा काल, नर्सरी, प्रारंभिक, माध्यमिक, व्यायाम काल में इसकी चर्चा की गई, इसकी जांच की गई। इसके बाद उच्च शिक्षा की चर्चा की, किसकी बात की, उच्च शिक्षा की चर्चा की। अब यहाँ पर देखिएगा इनकी शिक्षा योजना कितनी व्यवस्थित शिक्षा योजना है। उच्च शिक्षा में इन्होंने क्या कहा, यह अवधि इसके फलक 10 वर्ष की मानी गई, 10 वर्ष की मानी गई। और इसमें ज्योतिष शास्त्र, ज्योतिष विज्ञान, विज्ञान, गणित, भूगोल, इतिहास आदि विषयों का अध्ययन इन्होंने किया, जिससे कि इस, हाँ, इसके बाद जो अगर मैं बात करूं पुनः बहिष्करण देने की, पुनः इसके बाद जो चर्चा की गई इसकी पुनः जांच की गई, फिर उच्चतम शिक्षा की चर्चा की गई। उच्चतम शिक्षा अगर मैं बात करूं जो एक लास्ट है उच्चतम शिक्षा, उच्चतम शिक्षा ये 30 से 35 वर्ष, 30 से 35 वर्ष मानी गई, यानी कि ये 30 वर्ष 20 से 30 वर्ष की मानी गई, 20 से 30 वर्ष की मानेंगे और ये 30 से 35 वर्ष। अब यहाँ पर प्लेटो की शिक्षा योजना में सबसे पहले जो बच्चा जन्म लेता है उसे 0 से लेकर 3 वर्ष तक सैसा काल कहा गया। इसमें बच्चों को पौष्टिक आहार की चर्चा की गई, देने की बात की गई। सेकेंड पॉइंट नर्सरी की शिक्षा की बात की गई, 3 से 6 वर्ष की बात की गई। थर्ड पॉइंट प्रारंभिक स्तर 6 से 13 वर्ष, माध्यमिक स्तर 13 से 16 वर्ष, व्यायाम काल 16 से 20 वर्ष, उच्च शिक्षा 20 से 30 यानी 10 वर्षों के लिए, और उच्चतम शिक्षा 30 से 35 वर्ष की चर्चा के द्वारा की गई, जिसके बाद बच्चे को
नागरिक सत्ता का विकास करना, व्यक्ति शारीरिक मानसिक शक्तियों का विकास करना, बल